नमस्कार दोस्तों, मैं नसीब जिनागल समाचार कोसली से। दोस्तों, आज 16 दिसंबर जो कि भारत देश के लिए एक काला दिन साबित हुआ सन 2012 में। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दामिनी। तो दामिनी के साथ जो घटना दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में, तो दामिनी के ऊपर अपने विचार रखने आज हमारे साथ हैं दयावान संगठन के प्रधान भाई दयावान जी और कार्यकर्ता भाई सतीश और हमारे दूसरे कार्यकर्ता हैं मास्टर प्रदीप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई दयावान से, जो कि दामिनी के आज श्रद्धांजलि दिवस पर आज दामिनी को श्रद्धांजलि देंगे अपने भावपूर्ण विचारों से। तो भाई दयावान, दिन इंडिया के इतिहास में सब गौरवशाली इतिहास में गौरवशाली दिन है। आज के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग बनाया और वर्ल्ड के अंदर से जो आतंकवाद किए ख़त्म किया। इस दिन के तौर पे भी हम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो सेना है उसको हम याद करते हैं। लेकिन बहुत सी इतिहास है आज के दिन का, लेकिन फिर भी कहते हैं इस इतिहास में चलते चलते 2012 में 16 दिसंबर, दोस्तों याद करो 16 दिसंबर 2012 दामिनी कांड, कहीं ना कहीं जो दामिनी कांड हुआ उसने देश को शर्मसार कर दिया, जिसके कारण देश को एक साख पर एक धब्बा लगा और हम काले दिन को याद करते हैं, काले दिन के तौर पर उसको याद करते हैं। दामिनी आज शायद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो एक संदेश हमें दे के गई है और जो नारी शक्ति को एक सुरक्षा के लिए जो संदेश दे गई है, ये काबिले जिसे कहते हैं हमें संदेश दे गई है, ये हमारे लिए एक सिंपैथी के तौर पर हम काम कर रही है। और जो दामिनी के बलात्कारियों, जो बलात्कार के साथ दामिनी जब गई थी, पहले बलात्कारियों के ऊपर कोई केस नहीं था या जिसे कहते सजा होती थी बहुत थोड़ी हो जाती थी, लेकिन दामिनी की कांड के बाद आज बलात्कारियों पर फांसी की सजा है। तो ये एक सबसे बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव करके गई है, ये बहुत है। और सत्ता परिवर्तन के लिए भी हम दामिनी को याद करते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है वो किसी सरकार ने नहीं या किसी पार्टी ने नहीं, वो सिर्फ दामिनी ने याद किया, क्योंकि दामिनी ऊपर जब हजारों लोग इकट्ठा हुए थे तो दामिनी की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ था देश के अंदर। हेलो, हाँ जी, दामिनी के बारे में कुछ कहना चाह इच्छुक हूँ मैं। दिल्ली के सामूहिक बलात्कार कांड के विरोध में नई दिल्ली में इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन का एक दृश्य, ऐसा दृश्य भगवान करे भविष्य में किसी को भी देखने को न मिले, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अपनी दामिनी जी के साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ दोस्तों, आज का दिन 16 दिसंबर जो कि एक दुखद का दिन है, आज के दिन दामिनी का जो बलात्कार हुआ था उसके लिए हमें बहुत ही, जो ये दुख का दिन है आज का, दामिनी के रेप के बाद हम धन्यवाद करते हैं उस न्यायालय का भी जो दामिनी के रेप करने वालों को जो कड़ी से कड़ी सजा दी, उसके बाद से महिलाओं का विशेषकर दिल्ली सरकार ने जो कि दामिनी के रेप को और सभी महिलाओं को ध्यान में रखकर आज उन दोषियों की इतनी हिम्मत नहीं होती। और दामिनी जो हमें ये सीख देकर गई है कि कुछ हद तक दोषियों पर भी काबू पाया गया है। धन्यवाद सर। बर्दे 16 दिसंबर को जो घटना हुई दिल्ली के अंदर, बहुत ही दुखद घटना हुई जो हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए क्षतिपूर्वक है, और हमारे कहीं ना कहीं जब हम वो दिन को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दामिनी आज चली गई, ये सच है, लेकिन दामिनी हमें क्या दे गई, शिक्षा दे गई, प्रेरणा दे गई। कानून में जो संशोधन हुए, पहले फांसी बलात्कारियों के लिए कभी फांसी की सजा नहीं थी, आज बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा है। तो दामिनी को कहीं ना कहीं कानून में अमेंडमेंट के लिए जाना जाएगा, कानून बदलने के लिए जाना जाएगा। इतिहास में दामिनी को जो हत्या बोलते हैं वो हत्या नहीं है, वो एक बदलाव था,
और हत्या हुआ भगत सिंह बोल गया कि हर आजादी या हर बदलाव एक खून मांगता है, तो शायद दामिनी ने वो खून देकर इतिहास को बदलने की कोशिश करी है। और जो महिला व शोषण होता था दिल्ली में, वो अब शायद वो दामिनी के कारण वो कहीं ना कहीं वो चीजें रुकी है। और 2012 से अगर अभी तक देखें तो ऐसी कोई भी दुखद घटना दिल्ली के अंदर शायद नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये दामिनी दिल्ली को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश देकर गई है। तो इस दिन को हम एक संदेश दिन और दामिनी एक संदेश के नाम से याद करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, ये थे भाई दयावान, मास्टर प्रदीप जी और भाई सतीश यादव के अपने विचार, और उन्होंने दामिनी को आज एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। और दामिनी एक संदेश, क्योंकि आज का दिन हम सब याद कर रहे हैं उस दामिनी को, उस वीरांगना को। मैं नसीब कुमार और मेरी समाचार कोसली और बीएमपी म्यूजिक हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से भी दामिनी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आशा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी दुखद घटना ना हो, क्योंकि दिल्ली के बाद भी जो मुंबई में जो मील कांड के नाम से एक घटना हुई थी, तो देश को बहुत कुछ सीखना चाहिए था दामिनी से, लेकिन कुछ मानसिक बीमार व्यक्तियों ने ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया। तो ये जो बातें हैं देश को बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बातें हैं, क्योंकि भारत देश में जो आंकड़े हर साल लिए जाते हैं, तो महिलाओं पर हुए शोषण पर बहुत ही ज़्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, और हम सब मिलके, हमारा पूरा समाज मिलके इनके खिलाफ कदम उठाएं। और सरकार से भी यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान ऐसे घृणित अत्याचार करने वाले अपराधियों के लिए रखे जाएं। तो दामिनी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि समाप्त करते हैं। तो नमन करते हैं उस वीरांगना को, नमन करते हुए हम इस डिबेट को